नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसी अनोखी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जो ना सिर्फ आपको चौंका देगी बल्कि आपका दिमाग भी चकराने लगेगा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा और उसको भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। नंबर एक, क्रोकोडाइल फ्रोजेन। सोचो अगर आप कहीं ऐसी जगह से गुजर रहे हों जहां आपके चारों ओर मगरमच्छ मुंह निकालकर बैठे हों, तो आपकी क्या हालत होगी। साल 2018 की शुरुआत में नॉर्थ कैरोलिना में एक ऐसा नज़ारा देखा गया जिसे वहां के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि पानी में जम जाने की वजह से वहां पर मौजूद सभी मगरमच्छ बर्फ में इस तरीके से जम गए जिससे सिर्फ उनका मुंह बाहर निकला हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, वह सभी मगरमच्छ जिंदा थे, क्योंकि मगरमच्छ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके बाहर निकले हुए सिर से हवा और गर्मी मिलती रहे, जिससे मगरमच्छ जमने के बाद भी मरने से बच जाते हैं। नंबर दो, हॉर्स सॉय क्लाउड। मार्च 2018 में नॉर्थन निवाड़ा के आसपास के इलाके में एक अजीब तरह के बादल दिखाई दिए। इस बारे में वैज्ञानिकों की माने तो जब बादल गर्म हवा के ऊपर से गुजरते हैं तो यह अजीब आकार बन जाता है जिसे लोग चमत्कार मानने लगते हैं। नंबर तीन, स्नो इन डेजर्ट। साल 2018 की सर्दियों में सहारा के रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ, जब लोग सुबह सोकर उठे तो उन्हें रेत की जगह हर तरफ बर्फ दिखाई देने लगी। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, आखिर इतनी गर्म जगह पर यह चमत्कार कैसे हो गया। नंबर चार, ऑरेंज स्नो। साल 2018 में यूरोप की पूर्वी इलाके में अचानक एक दिन में बर्फ का रंग सफेद से ऑरेंज हो गया, जो खूबसूरत तो था पर डर देने वाला नज़ारा था। लोगों का कहना था कि हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम मंगल ग्रह पर आ गए हों, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारा के रेगिस्तान से मिट्टी का एक तूफान इस जगह पर पहुंच गया, वह बर्फ के साथ मिलकर उसे ऑरेंज बना दिया। नंबर पाँच, लॉन्ग ट्रैक टोरांडो। साल 2018 की मई में एक बड़ा बाउंडर करीब 33 मिनट में 57 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया, जो कि इंग्लैंड का अब तक का किसी बाउंडर द्वारा सबसे लंबा रास्ता तय किया गया रिकॉर्ड था। हालांकि ऐसी प्राकृतिक घटनाएं देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे लोगों की परेशानियां दिखाई देती हैं। दोस्तों, आपको इन प्राकृतिक घटनाओं में कौन ज़्यादा अच्छा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ शेयर करना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।